जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र मुटेजा, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको कुछ ऐसी साइट्स पे लेके चलूंगा जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साइट पे चलने वाले हैं जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और आपको मदद करेगी आपकी सेकेंड इनकम जनरेट करने के लिए। तो आइए आज हम एक ऐसी साइट पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसेस का प्रोजेक्ट, राइज फूड मॉल। अब राइज फूड मॉल की जब हम बात करें तो मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोल सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आपने इस तरह का फूड मॉल का कंसेप्ट नहीं देखा होगा। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, क्या आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जो स्विमिंग पूल के बीच में हो, या कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर हो, एक ऐसा थीम जो शायद सेंटोरिनी बेस्ड हो, या शायद जैसे आप गोवा जाते हैं तो शैक्स पे आप बैठते हैं सैंड के अंदर नंगे पैर। वो सारे थीम्स हम कलेक्टिवली लेके आए हैं यहाँ पे। जैसे आप मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि बॉक्स में वीआईपी बैठ के अपना वहाँ पे ड्रिंक्स, डिनर, स्नैक्स वो सब कर रहे हैं और साथ में मैच भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम जो स्पोर्ट्स बार लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको 10 प्राइवेट डाइनिंग के ऑप्शंस भी दे रहे हैं, मतलब क्यूबिकल्स होंगे, जब आप नीचे कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है वो भी देख सकते हैं, आप लाइव स्क्रीन भी देख सकते हैं, बट आपकी वो प्राइवेट डाइनिंग स्पेस है, PDS, प्राइवेट डाइनिंग स्पेस। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स वहाँ कर सकते हैं, बट वो आपके लिए एक प्राइवेट इनक्लोजर है। ये पहला NCR का फूड कोर्ट होगा जो ग्राउंड फ्लोर पे है। नॉर्मली फूड कोर्ट जो आते हैं वो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे होते हैं मॉल के, यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया है। फूड कोर्ट का 60% बिजनेस आता है स्विगी, जोमैटो या डिलीवरी से अगर हम बोलें तो यहाँ पे उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए, 60% बिजनेस को देखते हुए हमने ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट बनाया है। अब जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, सपोजिंगली मैं आपसे एज अ इन्वेस्टर वाली बात करता हूँ कि सपोजिंगली आपने 100, 200, 300 स्क्वायर फीट खरीदा, आपका फूड कोर्ट का जितना भी रेवेन्यू आएगा आपको आपके एरिया के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर हम देंगे जिसमें डेली बेसिस पे आपको पता रहेगा कि आज टोटल सेल कितनी है और आपको कितने पैसे मिले। तो ये बढ़िया कन्वीनियंट चीज़ है। अब सपोजिंगली आप 100 स्क्वायर फीट खरीदते हैं, जो भी अमाउंट है 12% आपको एक साल तक का पर एनम एश्योर्ड रिटर्न दे रहा है डेवलपर। उसके बाद आपका एश्योर्ड रिटर्न जैसे ही पोजेशन आएगा उसके बाद आपका शुरू हो जाता है एक्चुअल रेवेन्यू शेयरिंग। दोस्तों, आज की रेट में अगर हम आसपास के मॉल्स की बात करें तो शायद ग्राउंड फ्लोर की दुकान 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये स्क्वायर फीट पे रेंट देती है। यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट ला रहे हैं, तो और सोचिए आज मॉल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है, या तो पिक्चर हॉल या फूड कोर्ट। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फूड कोर्ट, थीम्स, ये सारी चीज़ें क्लब हमने एक साथ कर दी। और इसको जो फूड कोर्ट को मैनेज करेगा वो है फूड फोरम। फूड फोरम ऑलरेडी आज 40 अलग अलग फूड कोर्ट्स मैनेज कर रहे हैं अक्रॉस NCR, अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात क्या मिलेगी कि सपोजिंग आपने 500 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट अगर जगह खरीदी तो फूड कोर्ट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो कलेक्टिव रेंट आएगा वो आपको आपके शेयर के हिसाब से मिलेगा। सपोजिंगली आपने 100 स्क्वायर फीट लिया हुआ है तो आपके फूड कोर्ट का जितना कलेक्टिव रेवेन्यू है उसका आपको 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंटल मिलता है। ये कंटिन्यूअल इनकम है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट शायद शुरू हो जाएगी 30 लाख रुपए से, जब तक आपका पोजेशन आता है, सपोजिंगली ऑलरेडी 60% इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, आपको लगभग एक साल में हम पोजेशन दे देंगे। दोस्तों, इसमें हम जो फूड कोर्ट सेल कर रहे हैं उसमें आपको आज पता है कि फूड फोरम ने कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ साइन करे हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, उसके बाद पॉपाई भी है, उसके अलावा फिर और वैंगो, इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की लीज ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। उसके बाद डेवलपर ने माल बेचने का थॉट प्रोसेस लिया कि पहले लीज साइन होगी, कस्टमर को पता होगा फूड कोर्ट के अंदर कौन कौन से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप चीज़ खरीदेंगे। इससे ज़्यादा श्योरिटी वाला प्रोडक्ट जिसमें आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिले डे वन से, जिस दिन आप पैसा देंगे, उसके बाद आपको क्लैरिटी के साथ रेगुलर लाइफ लॉन्ग आपको रेंटल आता है अपने टेनेंट्स से। दोस्तों, मैं आपको अब लेके आया हूँ कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए।
इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब नॉर्मली आप देखेंगे डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि जब खड्डा खुदा होता है, लेकिन यहाँ पे 60% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। दोस्तों ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है राइज फूड मॉल की, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसेस या वैभव सर की बात करें तो उनकी एक खासियत है, उन्होंने जब जब जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा उसकी जो PPT या जो क्रिएटिव्स दिखाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ वो आप देख सकते हैं या तो बिल्कुल हूबहू होगा या उससे बेटर होगा। ये हमारे वैभव सर की बहुत बड़ी खासियत है। ही इज़ अ आर्किटेक्ट फ्रॉम रुड़की एंड ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको राइज फूड मॉल लोकेशन और कंसेप्ट पसंद आया होगा। आप और इसकी जानकारी के लिए मेरे से मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मानना है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, इसको सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूलें। आपको जल्द ही एक और साइट पे लेके चलूंगा, आपकी सेकेंड इनकम तो क्रिएट करवा के ही रहूंगा।